हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 5 का तीसरा लेक्चर। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चार्ल्स डेंसिटीज और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो जैसे हमने चार्ल्स डेंसिटी पढ़ा था, आज हम करंट डेंसिटी पढ़ रहे हैं। करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी सेम चार्ल्स डेंसिटी जैसा ही है। जैसे चार्ल्स डेंसिटी क्या बताती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर चार्ज पर यूनिट सरफेस, या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ। वैसे करंट डेंसिटी भी है, लेकिन मैंने करंट डेंसिटी क्या ले रखी है? वॉल्यूम के लिए ले रही हूँ, मैं वॉल्यूम के लिए डिफाइन कर रही हूँ, इसलिए मैंने ब्रैकेट में वॉल्यूम करंट डेंसिटी लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम करंट डेंसिटी भी क्या होगी कि कोई भी वॉल्यूम है, उसमें उसके हर एक पॉइंट पे जो करंट फ्लो है वो कितना है, मतलब हर एक पॉइंट पे जो करंट की डेंसिटी है वो कितनी है। तो इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। लेट अ चार्ज क्यू फ्लो थ्रू अ वॉल्यूम वी, देन करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ चूजन क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं कोई वॉल्यूम कंसिडर कर लेती हूँ, कोई भी वॉल्यूम ले सकती हूँ मैं। मान लो मैं एक क्यूब ले लेती हूँ, ये मैंने क्यूब ले लिया। ठीक है, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, इस पूरे इसके इंटरनल वॉल्यूम में चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो करंट का भी फ्लो हो रहा होगा। तो मान लेती हूँ मैं करंट की फ्लो की डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, तो इस पूरे वॉल्यूम में जो करंट डेंसिटी होगी वो क्या होगी? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, करंट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ चूजन क्रॉस सेक्शन। ओके, तो अब देखिए इस पूरे वॉल्यूम में जो डेंसिटी होगी, करंट की डेंसिटी, वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग आएगी। तो ओवरऑल डेंसिटी कैसे पता लगाएंगे हम? हम क्या करेंगे, एक इसमें इस पूरे वॉल्यूम में एक क्रॉस सेक्शन एरिया चूज कर लेंगे, मतलब एक हम सरफेस एलिमेंट चूज करना पड़ेगा हमें। तो दूसरे डायग्राम में बना देती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका एक ये सरफेस बीच से चूज कर लिया है, तो करंट डेंसिटी क्या होगी? करंट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ चूजन क्रॉस सेक्शन। अब मैं मान लेती हूँ इसका जो सरफेस एरिया है वो है ds, और सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन होगी n कैप, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। हमेशा सरफेस की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर n कैप डायरेक्शन ले ली, और एरिया कितना ले लिया मैंने, ds ले लिया है। और इस स्मॉल सरफेस एलिमेंट से जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट पास हो रहा है, वो ले लिया मैंने di। ठीक है, तो करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी फिर उस केस में? करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे कैपिटल J से, करंट पर यूनिट सरफेस एरिया। तो करंट कितना है इस चूजन क्रॉस सेक्शन का? di अपॉन उस सरफेस एलिमेंट का एरिया। ठीक है, करंट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ चूजन क्रॉस सेक्शन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी करंट डेंसिटी, di अपॉन ds। ठीक है, तो ये जैसे मैंने क्यूब लिया, ऐसे में कोई और वॉल्यूम भी ले सकती हूँ। कोई और वॉल्यूम, जैसे मान लो मैंने एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा और लंबा ले लेती हूँ, काम करती हूँ। सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ले लिया मैंने। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जैसे मान लो मैंने ये वाला, ये पूरा वॉल्यूम वी का ले लिया है, इसमें से मैंने एक छोटा सा बीच में क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, जिसको मैं ds ले सकती हूँ, और इससे पास होने वाला करंट di, और इस ds की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, n कैप। अच्छा, अब एक चीज और, ये जो करंट की डायरेक्शन थी वो क्या थी, कैपिटल I। तो जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, उसकी करंट डेंसिटी। अब I परपेंडिकुलर डायरेक्शन में I फ्लो हो रहा था, तो यहां पर भी क्या होगी,
डायरेक्शन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी ऐसे ही पास होगी परपेंडिकुलर इसके, तो दैट मीन्स जो जे की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी इसके, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब सरफेस एलिमेंट की जो डायरेक्शन एन कैप और जे वाली जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो इसका मतलब क्या है, डी एस और जे के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ अभी नोट कर लेना अपने दिमाग में। ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया सीधा ना काट के ऐसे टेढ़ा काटूँ इस टाइप से, ये मैंने टेढ़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया काट लिया, तो इस सरफेस एरिया का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो इसी के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस वेक्टर जो होगा। ठीक है, एन कैप किसका, किसकी डायरेक्शन है ये, इस सरफेस एलिमेंट की, जिसका सरफेस एरिया कितना है, डी एस वैक्टर, और डायरेक्शन कितनी है, एन कैप। लेकिन जो करंट डेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, आई करंट, तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन तो स्ट्रेट ही होगी, सीधी ही होगी, ये जे की डायरेक्शन है। तो इसमें इन दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा ले लेंगे हम, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो अब एक चीज, जैसे यहाँ पे डी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे डॉट डी एस, जे डॉट डी एस, क्योंकि दोनों ही क्या है, वैक्टर्स हैं, तो इसलिए मैंने डॉट ले लिया यहाँ पे। जे डॉट डी एस मतलब जे डी एस कॉस थीटा, जे डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके लिए तो यहां पे जे और एन कैप की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, तो सिंपल सिंपल जे डी एस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया टेढ़ा कटा हुआ है और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तब यहाँ पे कितना आ जाएगा, जे डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू जो होगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो समझ में आ गया होगा ये। तो डी आई इक्वल टू जे डॉट डी एस, इसको मैं लिख सकती हूँ आई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लूंगी, और ये क्या है, डी एस एक सरफेस एरिया है तो इसका सरफेस इंटीग्रेशन होगा, तो आई इक्वल टू जे डॉट डी एस। तो ये जो फॉर्मूला आया है आई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस, ये किस किस के बीच में रिलेशन आ गया, करंट आई और करंट डेंसिटी जे के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया रिलेशन। इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए पढ़ी होगी, जब भी कोई भी जो भी फ्लूइड है वो किसी भी वॉल्यूम के अंदर से फ्लो होता है, किसी भी पाइप के अंदर से, जैसे हमने बर्नौली थ्योरम वगैरह पढ़ी थी 11th क्लास में, तो वहीं पर हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी, जो कि किसको मेनली उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस था वो किसके, फ्लूइड के फ्लो के बारे में बता रही थी किसी भी वॉल्यूम के अंदर से, कि उस जो फ्लूइड होगा उसकी क्या रेट होगी फ्लो होने की, और वो किस टाइप से फ्लो हो रहा होगा उसके अंदर, और उसके फ्लो होने से बाकी चीजों पे क्या फर्क आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पर भी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो किसके लिए है, वो है करंट डेंसिटी के लिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी। तो वो क्या दिखाएगी, वो क्या बताएगी कि कितना करंट फ्लो हो रहा है किसी भी वॉल्यूम में से। ठीक है, तो ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी। तो एक बार पढ़ लेते हैं, द टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ सम वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन दैट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है, अभी इसको समझ लेंगे। सबसे पहले मैं इसको समझने के लिए क्या कंसिडर कर रही हूँ, लेट अस कंसीडर अ वॉल्यूम वी बाउंडेड बाय अ सरफेस एस, अ नेट चार्ज क्यू एग्जिस्ट विद इन दिस रीजन, इफ अ नेट करंट आई फ्लोज अक्रॉस द सरफेस आउट ऑफ दिस रीजन देन। तो ये क्या लिखा है, तो जैसे मैंने अभी करंट डेंसिटी के लिए एक वॉल्यूम कंसीडर किया था, वैसे ही मैं इसमें भी एक वॉल्यूम कंसीडर कर लेती हूँ, क्यू भी कंसीडर कर लेती हूँ। ये मैंने क्यूब कंसीडर कर लिया, जिसका वॉल्यूम कितना है, वी, पूरे का वॉल्यूम वी है।
तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आए, ये बाहर निकलता हुआ अभी दिखा देते हम। अब एक चीज देखिए, जो पहली लाइन लिखी है उसका मतलब समझा देती हूँ मैं। द टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ सम वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन दैट वॉल्यूम। अच्छा, ये बोल रहा है कि करंट फ्लोइंग आउट ऑफ सम वॉल्यूम, ये जो करंट बाहर आ रहा है, ये जो करंट इसके सरफेस से बाहर आ रहा है, किसी वॉल्यूम के किसी सरफेस से जो बाहर आ रहा है वो किसके इक्वल होता है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज विद इन दैट वॉल्यूम। अब एक चीज देखिए, ये जो विद इन मतलब जो इसके इंटरनल में जितने चार्जेस होंगे, अगर वो कम होंगे तभी तो क्या होगा, बाहर आने वाला करंट बढ़ेगा, है ना। अगर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर चार्जेस क्या है, अभी मान लीजिए जैसे कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पर मान लीजिए 10 चार्जेस हैं, ठीक है, 10 चार्जेस हैं, लेकिन करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उन चार्जेस में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी और सरफेस से निकलने वाला करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जो आई होगा वो होगा, I क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dQ अपॉन dt होगा, लेकिन एक नेगेटिव साइन आ जाएगा किसके लिए, ये जो Q चार्ज है वो है इंटरनल चार्ज, अंदर पे कितना चार्ज है। तो अगर dQ अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, और माइनस साइन मतलब डिक्रीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यहाँ पे अगर चार्ज कम होंगे तभी क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, इसलिए मैंने लिख लिया आई इक्वल टू माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी। अब एक चीज देख लेते हैं, अभी जैसे हमने करंट डेंसिटी पढ़ा था, वी नो दैट करंट और करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन कितना आया, आई इक्वल टू जे डॉट डी एस, ये आया था अभी, वेयर जे क्या है, वेयर जे है हमारी करंट डेंसिटी, ओके, आई इक्वल टू जे डॉट डी एस, बट आई इक्वल टू माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी भी होता है, तो यहां पर मैं लिख देती हूं, इसको इधर लिख देती हूँ लेफ्ट में, जे डॉट डी एस, आई की वैल्यू ये वाली पुट कर देती हूँ, माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, क्यू क्या है, इंटरनल चार्ज, और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जैसे करंट डेंसिटी जे होती है वैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते थे, रो से। क्या क्या थी चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते थे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो Q है वॉल्यूम के लिए है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, रो, ठीक है। तो मैं यहां लिख लेती हूं, इफ रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द गिवन वॉल्यूम V, then क्या होगा, क्या पढ़ा था हमने, Q इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी, ठीक है, ये पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, Q इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी। तो मैं क्या करूंगी, इस Q की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस इक्वल टू कितना था, माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी था ना, तो माइनस का डी अपॉन डी टी, और क्यू की वैल्यू लिख देंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी,
इसके बाद जे डॉट डी एस इक्वल टू, अच्छा ये जो डेरिवेशन है ना डी अपॉन डी टी, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब ये इंटीग्रेशन, अभी ये इंटीग्रेशन के बाहर है तो ये टोटल डिफरेंशिएशन है डी अपॉन डी टी, लेकिन अगर मैं इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिख देती हूँ तो ये बन जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक रिलेशन होता है, ये साइड में लिख देती हूँ, डी अपॉन डी टी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डेल अपॉन डेल टी, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करने पे वो टोटल डिफरेंशिएशन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं, इस डी अपॉन डी टी को इंटीग्रेशन के अंदर भेज सकती हूँ, लेकिन वो क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रो, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, देखिए इस साइड वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, इस साइड सरफेस इंटीग्रेशन है, तो मुझे दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रेशन बना लेना चाहिए। तो ऐसा करके क्या होगा, दोनों साइड का इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन बना लेती हूँ। अब सरफेस इंटीग्रेशन है, सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बताइए, सोचिए, करते हैं हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज। तो लिख देती हूँ मैं, बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जे का डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदल जाएगा, और जे का क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस यानी कि डेल डॉट जे इंटू डी वी, ठीक है। ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसको, मान लीजिए इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं पुटिंग इन टू, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ जे डी वी इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल रो अपॉन डेल टी डी वी। अब दोनों साइड क्या बन चुका है, ये जो माइनस है इसको भी अंदर ही लिख लेते हैं, दोनों साइड बन चुका है वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो दोनों साइड से इंटीग्रेशन वी डी वी, इंटीग्रेशन वी डी वी हम हटा सकते हैं, तो हटाने पे क्या बचेगा यहाँ पे डेल डॉट जे, और यहाँ पे बचेगा माइनस का डेल रो अपॉन डेल टी, डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस का डेल रो अपॉन डेल टी, या फिर इसको लिख सकते हैं जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो। तो यही आ गई आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये यहां से ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, डेल डॉट जे मतलब डाइवर्जेंस ऑफ जे, डाइवर्जेंस ऑफ जे मतलब कितना जे क्या होगा वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, कितनी करंट डेंसिटी वॉल्यूम के साथ साथ क्या होगी स्प्रेड होगी या फिर इंक्रीज होगी। डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही होता है ना, वो किसके इक्वल होगी, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ रो, यानी कि रो क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम के अंदर जितना कम चार्ज होगा उतनी ही क्या होगी करंट डेंसिटी सरफेस पे ज्यादा होगी, ठीक है, सरफेस की बात कर रहे हैं, और ये जो रो लिया हमने इंटरनल वॉल्यूम के लिए लिया हुआ है। तो सरफेस पे करंट डेंसिटी ज्यादा कब होगी, जब इंटरनल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये था कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या पढ़ा आज हमने, करंट डेंसिटी और कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।